हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे और जो होगा देखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दे दी। जवाब में तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बोले कि वफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे में तरक्की के लिए काम करें। पीटीआई एक बार फिर दाल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कमर कस ली, कारकुनान और रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। अली अमीन गंडापुर को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने जल्द बड़े एहतजाज की कॉल की धमकी दे दी। जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जैसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। अली अमीन के ऐलान पर लीगी रहनुमा सेंटर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा कि सूबे की तरक्की का सोचने के बजाय इंतशारी टोला मुल्क की राह में रुकावट बना हुआ है। पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या केपीके के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। पहले भी सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी। वाकई में इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।